विधायक मौजूदा विधायक अनिता जी बदेल ने जो दो दिन पहले पूर्व गुर्जर समाज के भरत जी जो एडीओ उपायुक्त हैं उनके लिए जो ये शब्द बोले उनको भ्रष्ट बताया, या तो अनिता जी उनको भ्रष्ट साबित करें, और भ्रष्ट साबित नहीं कर सकती है तो पूरे समाज को इसकी ठेस पहुँची है और या इसकी अपनी गलती माने। अगर अनिता जी ने कल तक इसका नहीं किया तो अजमेर जिले के हर गांव से गुर्जर समाज की गाड़ियां भर भर के जहाँ जहाँ गुर्जर अभी उपचुनाव में गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ जाकर हम भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे। ज्ञापन देने का भी हम निर्णय करेंगे, ज्ञापन देंगे या पहले वहाँ जाने की तैयारी करें, बाकी वहाँ जाना निश्चय है। आज गुर्जर समाज अजमेर की ओर से एक सूक्ष्म रूप में जो हमारे समाज के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, समाज के पंच पटेल हैं और जनप्रतिनिधियों की एक यहाँ पर एक सूक्ष्म रूप में एक बैठक आयोजित की गई है ओबड़ा का देवरा में। अभी दो दिन पूर्व जो हमारे प्रभारी मंत्री है जावर सिंह खर्रा जी जो है यहाँ पर जन सुनवाई करने आए थे, उस समय हमारे दक्षिण की विधायिका आदरणीय अनिता जी भदेल द्वारा हमारे गुर्जर समाज के जो प्रशासनिक अधिकारी है जो अभी वर्तमान में एडीए उपायुक्त भरत सिंह जी गुर्जर हैं उन पर एक ईमानदार निष्पक्ष और निडर प्रशासनिक अधिकारी पर इस तरीके से सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने कि मैं उसको पकड़ के मारूंगी और जनता भी मारेगी, इस तरीके की अमानवीय भाषा का प्रयोग करके एक प्रशासनिक अधिकारी पे लांछन नहीं लगाया है वरन पूरे गुर्जर समाज में भारी आक्रोश है कि आप 5 बार से विधायक रह रही है और आप जनप्रतिनिधि है और आप जनप्रतिनिधि होते हुए आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरीके की अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं कि मैं उसको पकड़ के लाओ, मैं उसको पकड़ के मारूंगी, जनता भी मारेगी। आपकी सरकार है, जांच एजेंसियां आपकी है, अगर वो भ्रष्ट है तो कार्रवाई करो। हम ये नहीं कहते, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, पर इससे गुर्जर समाज की भावना आहत हुई है। आपने एक ऐसे जिसको आपके ही उपराष्ट्रपति ने अवार्ड देकर के सम्मानित करा है कि देवमाली गांव जो अजमेर ज़िले के अंदर आता है उसको वर्ल्ड टूरिस्ट विलेज का जो है अवार्ड यहां पर दिया गया है भरत जी गुर्जर को, आपके ही उपराष्ट्रपति द्वारा अवार्ड दिया जा रहा है और इस तरीके से आप अशोभनीय भाषा का प्रयोग करके आप लांछन लगा रही है ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी पे। जांच अधिकारी आपकी जांच एजेंसियां उनसे जांच करवाइए, पर आप सार्वजनिक रूप से इस तरीके की भाषा, इससे गुर्जर समाज में भारी आक्रोश है। आज हमारे समाज के यहाँ पर पंच पटेल है, सामाजिक संगठन के पदाधिकारी एकत्रित है, अभी हमारी मीटिंग चल रही है और सभी ये एक दिशा निर्देश रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में उपचुनाव है 13 तारीख को, अगर अनिता जी भदेल अपनी ये जो भाषा जो उन्होंने प्रयोग की है उनको माफ़ी नहीं मांगती है समाज से, तो आज जो उपचुनाव हो रहे हैं 13 तारीख को 5 जगह उपचुनाव है तो गुर्जर समाज वहाँ पर हो सकता है बीजेपी का बहिष्कार करें। और अभी हमारे समाज के पंच पटेल जो वरिष्ठ हमारे यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं और इनका जो भी निर्णय आएगा वो आपको मीडिया को अवगत करा दिया जाएगा और उसके बाद में कल जो है वहाँ पर कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। हम सभी गुर्जर समाज के अंदर भारी आक्रोश है। मैं एक बार पुनः विनम्रता के साथ आदरणीय अनिता जी भदेल से ये आग्रह करना चाहूँगा कि अभी भी समय है, आपको जब गुर्जरों के वोट चाहिए थे तब तो आपने गुर्जरों के वोट ले लिए, क्या आपको गुर्जर समाज से कोई आपत्ति है क्या? आपने पूर्व में भी जो हमारी TI सुनीता जी गुर्जर है उन पे भी आपने कार्रवाई करवाई, राजेंद्र जी कसाणा जो सीनियर लेक्चरर थे राजेंद्र स्कूल के अंदर आपने APO करवाया बीकानेर से, डिंपल जी गुर्जर को आपने जो है उनका ट्रांसफ़र करवाया, क्या गुर्जर समाज वोट देने के लिए ही बना है क्या आपके लिए? आप एक तरफ तो आपकी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी संगठन जो BJP का संगठन है वो समाज की जो संगठन जो पार्टी संगठन है वो रीति नीति की बात करता है और आपकी जो विधायिका है अशोभनीय भाषा का प्रयोग करके प्रताड़ित कर रही है, इससे पूरे समाज के अंदर आक्रोश है और ये बहुत विकराल रूप ले लेगा। अभी भी समय है, उपचुनाव सामने हैं,
13 तारीख को उपचुनाव है, अगर अभी भी मैं पार्टी से भी आग्रह करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूँगा और प्रदेशाध्यक्ष से भी आग्रह करना चाहूँगा कि अभी भी समय है, जल्द से जल्द आपकी जो है विधायिका से, गुर्जर समाज से माफ़ी मंगवाइए कि ये मेरे से गलती से निकल गए हैं ये शब्द, मैं माफ़ी मांगती हूँ, नहीं तो आने वाले समय में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा और जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया जाएगा गुर्जर समाज के। और ये रणनीति बन रही है आज जो है गुर्जर समाज के, यहाँ पर हमारे पंच पटेल बैठे हैं, सब इकट्ठा होकर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बहिष्कार करेंगे। भगवान सिंह गुर्जर, प्रवक्ता गुर्जर समाज अजमेर। जी हाँ, किसको लेकर के आज मीटिंग की गई है और किस तरीके का निर्णय लिया गया है? पूर्व मंत्री विधायक, मौजूदा विधायक अनिता जी बदेल ने जो दो दिन पहले पूर्व गुर्जर समाज के भरत जी जो एडीओ उपायुक्त हैं उनके लिए जो ये शब्द बोले, उनको भ्रष्ट बताया, या तो अनिता जी उनको भ्रष्ट साबित करें, और भ्रष्ट साबित नहीं कर सकती हैं तो पूरे समाज को उसकी ठेस पहुँची है, और या इसकी अपनी गलती माने। और अगर अनिता जी ने कल तक इसका नहीं किया तो अजमेर ज़िले के हर गांव से गुर्जर समाज की गाड़ियां भर भर के जहाँ जहाँ गुर्जर अभी उपचुनाव में गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ जाकर हम भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे। ज्ञापन देने का भी हम निर्णय करेंगे, ज्ञापन देंगे या पहले वहाँ जाने की तैयारी करें, बाकी वहाँ जाना निश्चय है। हरचंद आगला, पूर्व सरपंच गोला, गुर्जर महासभा अध्यक्ष, पूर्व